सो हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रुड उपाध्याय और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई रिच पीपल इज रिच, अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार मैं वही ज्ञान देने के लिए आ गया जो आपको हर एक यूट्यूबर देने लगता है, राइट गाइस? ऐसे कुछ भी नहीं है, मैंने आज कुछ नया सीखा है तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। ओके सो गाइस, पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने बुक पढ़ना कब स्टार्ट किया था। ओके, मैंने 2019 में 26 सितंबर से मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और जो मेरी पहली बुक थी वो थी रिच डैड पुअर डैड, जो कि एंड आई नो यार मोस्ट लोगों की जो पहली किताब रहती है वो रिच डैड पुअर डैड ही रहती है। और मुझे ये रिकमेंडेशन कहां से मिली थी, एक अमन धतरवाल नाम के यूट्यूबर हैं, ओके मेरे फेवरेट हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था उस किताब को, सो दैट्स व्हाई। और मैंने क्या किया था, उस किताब को परचेस करके अपने सिस्टर को उनके बर्थडे पे गिफ्ट किया था ताकि मैं पढ़ सकूं, ठीक है, और उनको मैं गिफ्ट भी दे दूं। सो पहले ऐसा था मैं थोड़ा सा। ओके गाइस, सो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं, ऐसा वो क्या करते हैं, ठीक है, उतना ही हार्ड वर्क गरीब भी करता है कि अमीर भी करता है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आज एक्चुअल चीज जो मेरे को भी यार बहुत ज्यादा सही लगी वो मैं आपको बताने वाला हूं। ओके, तो गाइस जो मैं ये बातें बोल रहा हूं वो रिच डैड पुअर डैड किताब में लिखी हुई है, जो कि जिसके राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ओके, उन्होंने साफ साफ लिखा पड़ा है कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बहुत अच्छे से ना डिफरेंस बता रखा है उन्होंने। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स वो चीजें होती हैं जो कि आपकी जेब में पैसा डालती हैं। ओके, लायबिलिटीज क्या होती हैं, लायबिलिटीज वो होती है जो कि आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। एसेट्स मतलब क्या बता रखा है उन्होंने, संपत्ति, और जो इनकी लायबिलिटीज होती है उनको क्या बता रखा है, दायित्व। ओके, एसेट्स वो चीजें होती हैं जो कि आपकी जेब में पैसा डालती हैं, लायबिलिटीज क्या होती है जो कि आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। एज सिंपल एज इट इज, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट उन्होंने बता रखा है। और उन्होंने ये भी बोल रखा है कि जो हमारा घर होता है वो संपत्ति नहीं होता, हमारा जो घर होता है वो दायित्व होता है। कहने का मतलब है घर हमारा एसेट्स नहीं है, घर हमारा लायबिलिटीज है। ओके, सो ये उन्होंने बता रखा है। और आई नो मोस्ट लोग इस बात से डिसएग्री करते हैं। एंड गाइस, दूसरी चीज ये, आप लोगों ने ना ये सुन रखा होगा कि एक गरीब आदमी होता है जो कि एक लॉटरी जीतता है, ठीक है, उसको करोड़ों की लॉटरी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो दोबारा रोड पे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उसके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती। ये चीज भी लिखी उस किताब के अंदर। देखो गाइस, उस किताब में साफ साफ लिखा है पैसा बनाना बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं होती, आप पैसे का प्रबंधन कैसे करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पैसे को मैनेज कैसे करते हो। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत करोड़पति तो होते हैं लेकिन जो उनका एंडिंग होता है ना, तो वो ऐसा गंदा होता है कि उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं रहता। तो वहां पे जो एक मेन पॉइंट आता है वो आपका होता है फाइनेंशियल नॉलेज का, कि उनके पास फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती। रॉबर्ट कियोसाकी ने साफ साफ किताब में बता रखा है कि पैसा बनाना बड़ी बात नहीं है लेकिन पैसे का प्रबंधन करना बहुत बड़ी बात है। ओके, आप उस पैसे को कैसे मैनेज करते हो, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब गाइस, मैं आपको बता दूं कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं, गरीब लोग गरीब क्यों होते हैं। आप पहले ये याद रखो कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा परचेस करते हैं आपका संपत्ति मतलब एसेट्स, जो गरीब लोग होते हैं वो आपका दायित्व परचेस करते हैं, इसका मतलब क्या है, लायबिलिटीज। एंड जो आपके मध्यवर्गीय लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो परचेस करते हैं दायित्व, मतलब वो लायबिलिटीज परचेस करते हैं, लेकिन वो सोचते क्या है कि उन्होंने एसेट्स को परचेस कर रखा है। इसका मतलब ये तीन चीजें होती हैं। ओके, अब अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं क्योंकि जो उनको उन्होंने एसेट्स को परचेस कर रखा है वो एसेट्स उनको इतना पैसा बना के देता है जो कि उनके खर्चे के बराबर होता है। मैंने क्या बताया, आपका मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो एसेट्स को परचेस करते हैं, ठीक है, जो एसेट्स है वो उनका उतना पैसा बना के दे रहा है, ठीक है, कि जो उनका खर्चा है वो उसके बराबर हो जाता है। उनकी इनकम जो है, जो उनकी आय है, जहां से वो पैसा कमाते हैं, वो चीज अलग है, लेकिन जो उन्होंने संपत्ति अपनी बना रखी है उनकी संपत्ति से इतना पैसा आता है जो कि उनके खर्चे के बराबर होता है। चलो यहां पर ना हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। लेट्स सपोज करो मैं हूं, ओके, मैं 500,000 रुपये महीना कमाता हूँ, ओके, एंड अब क्या है, मैं 500,000 रुपये महीना कमाता हूँ और जो मेरा दिन का खर्चा है, सॉरी, जो मेरा पूरा महीने का खर्चा है मेरी पूरी फैमिली का, वो 200,000 रुपये आता है। लेकिन स्टार्टिंग से ही मैंने अपने लाइफ में कुछ अपने एसेट्स बना रखे हैं और जो एसेट्स हैं मेरे, उन एसेट्स से जो पैसा आता है वो 200,000 आता है। इसका मतलब है जो मेरे घर का खर्चा जो चल रहा है वो मेरे उस एसेट से निकल जाता है, और जो मैं 500,000 रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ अपने बिजनेस से या फिर मैं अपने जॉब से जो भी कमा रहा हूँ 500,000 रुपये, वो मेरे सेव हो रहे हैं। और अमीर लोग उस पैसे को सेव नहीं करते बिल्कुल भी, अमीर लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो एसेट्स को क्रिएट करने में। ओके, वो उसी पैसों से दोबारा एसेट्स को परचेस करते हैं और उससे और अपना एम्पावर को क्रिएट करना चालू करते हैं और बड़ा करते हैं। कहने का मतलब सिंपल है, वो बिल्कुल भी अपना पैसा दायित्व पे मतलब लायबिलिटी से खर्च नहीं करते, वो फोकस करते हैं कि कैसा ना कैसा करके वो अपने एसेट्स को क्रिएट करें और उस एसेट से और पैसा बनाए, ठीक है। और एक ऐसा भी टाइम आता है कि जो उनका एसेट्स होता है वो उतना ज्यादा पैसा देने लगता है कि जो उनका खर्चा होता है वो
बहुत ही कम लगता है, और जो उनकी इनकम है वो तो अलग है। आई होप गाइस बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझ में आया होगा। अमीर लोग एसेट्स पे पैसा डालते हैं, मतलब एसेट्स को परचेज करते हैं और एसेट्स से पैसा बनाते हैं, ठीक है। जो उनकी इनकम है वो चीज़ तो अलग है टोटली, ओके। एंड गाइस आपको भी पता है कि जब भी हमारे पास पैसा आता है हम लोग क्या सोचते हैं कि हम एक घर परचेज कर लें, ठीक है, वो हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा। नहीं, यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या बता रखा है कि जो पैसा आपने अभी तक सेव कर रखा है उसको इन्वेस्ट करो या फिर उसको एसेट्स परचेज करो, कुछ एसेट्स लेकर आओ, ओके, और उस एसेट से पैसा बनाओ, और जो आपके पास दोबारा पैसा आए उस पैसे से घर खरीदो, ताकि जो उस घर का खर्चा होगा वो उस एसेट से चलेगा। आई होप गाइस कि आपको समझ में कुछ आ रहा होगा, ओके। सिंपल सी बात है, अगर आप डायरेक्ट जाकर घर परचेस कर लेते हो, ओके, एंड उसके बाद जो उसके अंदर सारी खर्चे आते हैं वो आपको अपने लगाने पड़ेंगे, और फिर यहीं से हमारी जो साइकिल होती है ना, चूहा दौड़ में हमारा स्टार्ट हो जाता है। एक समझदार इंसान, एक अमीर इंसान हमेशा और हमेशा अपने एसेट्स को परचेस करता है, ठीक है, एसेट्स में वो पैसा लगाता है ताकि वो उससे और धन, उससे और पैसा बना सके, ओके, एंड बस यही साइकिल हमारी चलती रहती है। और रॉबर्ट टी कियोसाकी सर ने उसके अंदर एक बकमिंस्टर एक रूल बता रखा है कि अगर आज के टाइम पे आप कमाना छोड़ दो तो आप कितने टाइम तक जीवित रह सकते हो, मतलब आपको कितने टाइम तक काम नहीं करना पड़ेगा कि आप अपना घर बैठ के आराम से जिंदगी जी लो, ओके। सो ये भी चीज़ें बता रखी है उन्होंने। एंड गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं, गरीब लोग गरीब क्यों होते हैं। अमीर लोग अमीर इसलिए होते हैं गाइस, सिंपल सी बात है, वो एसेट्स को परचेज करते हैं, ठीक है, और उसी चीज से और पैसा बनाते हैं, और जो उनकी इनकम आती है उससे वो कोई लायबिलिटीज परचेज नहीं करते या फिर कोई गाड़ी कोई घर नहीं खरीदते, उससे और पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर ताकि वो और एसेट्स को बना सके, सिंपल एज इट, ओके। आई होप गाइस कि आपको क्लियर हो गया होगा आप टोटली चीजें, एंड बस मुझे यही बताना था आपको। सो आज से ही हम तैयारी करते हैं कि आज से हम अमीर बनने की तैयारी करते हैं, ओके, हमें वो चीजें नहीं परचेस करनी जो कि हमारी जेब से पैसा निकालती हैं, ओके गाइस। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बेस्ट लक फॉर द डे गाइस, एंड कीप स्माइलिंग। करते रहो गाइस, बुक पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। मैंने फर्स्ट टाइम जो ये बुक पढ़ी थी 2019 में पढ़ी थी, मैंने पूरी बुक खत्म करी थी पढ़कर, बट उस टाइम पे मतलब मैंने बस रैंडमली पढ़ लिया था, बट मैंने अभी दोबारा स्टार्ट किया रिजल्ट पोर्टेड किसी और के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, देन फिर अब मज़ा आ रहा है और पढ़ने में, और मैं डीप अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ हर एक पेज को सही से। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने दोबारा पढ़ रखी है उसकी, मतलब एक दो बार पढ़ रखा है उस किताब को, दोबारा पढ़ो, बिकॉज जब भी हम कोई चीज़ रीड करते हैं ना वो 30% हमारे दिमाग में जाता है, 100% नहीं आता। आप जब भी नई नई चीज़ें दोबारा पढ़ोगे आप डायरेक्ट कुछ और नया सीखोगे उस किताब से, ओके गाइस। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बेस्ट लक फॉर द डे गाइस, एंड कीप स्माइलिंग।